तो एक कपल था जिसमें जो हस्बैंड था वो सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ध्यान से सुनना, एक कपल में एक सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो उसको सोचो सारी नॉलेज होती है शेयर मार्केट की, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें अच्छी खासी नॉलेज होती है, उनको सब पता होता है। अच्छा, उस चार्टर्ड अकाउंट की एक वाइफ थी जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, दोनों का प्रोफेशन अलग अलग। डॉक्टर का कुछ पता नहीं होता, डॉक्टर का कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। किस बात का? पहला सवाल सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में आता है कि क्या शेयर मार्केट के लिए मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी है, क्या शेयर मार्केट के लिए मुझे मतलब बही खाता की समझ होनी चाहिए, क्रेडिट डेबिट की समझ होनी चाहिए, क्या मेरा कॉमर्स ही बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या मेरा अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, क्या मेरा अगर आर्ट बैकग्राउंड है, क्या मेरा मैं मतलब पढ़ाई नहीं लिखा हुआ, तो क्या मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो क्या मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो क्या मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ, क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या वहां से पैसा कमा सकता हूँ, क्या? ये सवाल जनरली सबके दिमाग में होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और इस ये जितने भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी एक रियल घटना हुई है, मैं वो सुनाता हूँ आपको, और ये रियल है। तो हस्बैंड वाइफ थे, एक का कॉमर्स बैकग्राउंड, हस्बैंड एकदम सीए बीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक वो डॉक्टर, उसको कुछ नहीं पता। तो एक दिन है ना, जो अपन टेबल में बैठे हुए थे खाना खाने के लिए दोनों, तो ऐसी बहस हो रही थी शेयर मार्केट के बारे में, तुम्हें क्या पता है, मतलब वो शायद कुछ बहस के चक्कर में सीए ने बोल दिया अपनी बीवी को, तो तुम्हें क्या पता है शेयर मार्केट के बारे में, तुम थोड़ी कुछ जानती हो। तो उस बहस में ना डॉक्टर ने चैलेंज दे दिया, कहते हैं चैलेंज क्या दिया सुनना, ठीक है काम करते, तुम बहुत शाणे बन रहे हो ना अपनी नॉलेज के लिए, तुम्हें शेयर मार्केट की तो खूब नॉलेज है ना, तुम तो सारा कुछ जानते हो, अपन एक काम करते, देखो 10,000 रुपया तुम लगाओगे, 10,000 रुपया मैं लगाऊंगी, कह रहे ना 10,000 रुपये शेयर मार्केट में अकाउंट खोल के तुम लगाओ, 10,000 रुपये शेयर मार्केट में अकाउंट खोल के मैं लगाऊंगी, ठीक है। अपन एक साल तक वेट करेंगे, देखते हैं किसके पैसे बढ़ते हैं ज्यादा। तो सीए कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शर्त लग रही है, दैट्स फाइन, बोले ठीक है। और शर्त में क्या था कि फाइनली अगर कोई हारा या जीता उसके लिए उन्होंने अपना कुछ पर्सनल प्राइज रख लिया, वो मुझसे मत पूछना कि क्या है, हस्बैंड वाइफ में जो पर्सनल प्राइज रख लिया कि भैया ऐसा है कोई हारेगा जीतेगा तो ऐसा ऐसा नाम देना है, वो अपन उसमें नहीं जाएंगे, फाइनल रिजल्ट में चलते हैं अपन। तो हुआ क्या, सीए ने भी, उसका सीए का तो डीमैट अकाउंट पहले से ही था, उसने डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपये धीरे धीरे इन्वेस्ट किए, और कैसे किए, सीए ने लगाई अपनी पूरी की पूरी नॉलेज, ओहो लगाई नॉलेज एकदम, मेरे को तो सब पता है, अच्छी अच्छी कंपनी पहले देखी, उसकी उसकी यू नो प्रॉफिट लॉस की चार्जशीट वगैरह देख रहा है, क्योंकि बहुत समझदार था उसने, उसको सब पता था कि शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदते हैं, उसने पूरी समझ लगाई एकदम दिमाग लगा के, टॉप कंपनीज ओके इनका प्रॉफिट ये है, इनका लॉस ये है, ओके ये कंपनी काम की ये कंपनी नहीं है, हटा दो, ऐसे करके उसने 10,000 रुपया गिनी चुनी कंपनीज में लगाया, गिनी चुनी कंपनीज में। सीए था भाई, पढ़ा लिखा था, उसको सब पता था। दूसरी तरफ पता कौन है, दूसरी तरफ एक डॉक्टर, एक लेडी जिसको कॉमर्स से लेना देना नहीं, जिसको शेयर मार्केट से लेना देना नहीं, जिसको ये भी नहीं पता कि शेयर मार्केट होता क्या, क्या है और क्या नहीं है। उस बंदी ने क्या किया, डीमेट अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और खुलवा, बहुत सिंपल होता है डीमेट अकाउंट खुलवाना, दैट्स वेरी इजी, 5-10 मिनट लगते हैं आपको, आपको फिर 4 दिन के अंदर वो खुल जाता है, 10 मिनट आपका प्रोसेस है, 4 दिन कंपनी लेती है मैक्सिमम, वो खोल देती है। डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद उस बंदी ने क्या किया पता है, उसको पता नहीं प्रॉफिट लॉस क्या है, सिंपल, उसने क्या किया, अच्छा मेरे को किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, ओके मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर हूँ, ज्यादातर मैं किस कंपनी की दवाइयाँ खरीदती, उसने क्या किया, प्रैक्टिकलिटी देखी उसने, कोई शीट में प्रॉफिट शीट लॉस शीट कुछ नहीं देखा, बट उसने कहा भैया मैं डॉक्टर हूँ, मेरे टेबल पे देखो मैं क्या चीज़ यूज करती हूँ, अच्छा मैं ये दवाई ज्यादातर मैं बोलती हूँ जब भी किसी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी को 10 लग जाते हैं तो मैं इस कंपनी की दवा देती हूँ, ठीक है मैं उस कंपनी के शेयर खरीदे। मैडम ने क्या किया, जिस कंपनी की उसे दवा बार बार दिखती थी उस कंपनी के शेयर खरीदे, कितने के, 2,000 रुपये के। फिर उसने क्या किया, अच्छा वो डॉक्टर थी, ठीक है तो वो क्या करती थी कि उसने देखा कि अच्छा अगर कोई किसी के दांत में प्रॉब्लम है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो मैं उसे कौन सा टूथपेस्ट यूज करने को बोलती हूँ या कौन सा ब्रश यूज करने को बोलती हूँ, अच्छा ठीक है ओके मैं ज़्यादातर इस पर ट्रस्ट करती हूँ, ओके उसने उसके शेयर खरीद लिए। तो उसने क्या किया, आसपास की अपनी चीज़ों को देखा कि वो किस पर ट्रस्ट करती है, आसपास की चीज़ों को देखा कि वो किस पर ट्रस्ट करती है, वो क्या रेकमेंड करती है, उसने वही कंपनीज के शेयर खरीदे। अब आओ रिजल्ट पर, तो सीए साहब ने क्या किया, पूरी नॉलेज लगाई एकदम बल्ले बल्ले वाली, जो कि हम जैसे लोगों में नहीं होती,
डॉक्टर साहिबा ने क्या किया, उसने लगाया अपना दिमाग, आसपास देखा मैं क्या चीज यूज करती हूँ क्या नहीं, अच्छा ओके गुड गुड गुड, ऐसे करके शेयर खरीद लिए। एक साल बाद डॉक्टर साहब के 10,000 रुपए कितने हुए, डॉक्टर साहब के 10,000 रुपए हुए 18,000। कितने का प्रॉफिट? 8,000 का। ठीक है, ध्यान से सुनना, डॉक्टर साहब के 10,000 हुए 18,000, सॉरी डॉक्टर साहब नहीं, सीए साहब, सीए साहब जो कि हस्बैंड साहब थे, जो मर्द अपने आप को ऐसे प्राउडली बोला था मेरे को सारी नॉलेज है, मैं शेयर मार्केट में सब आता है, उस बंदे ने जो शेयर खरीदे थे तो उसके 10,000 टोटल कितने कन्वर्ट हुए 18,000 में। अब डॉक्टर साहिबा पर आते हैं, डॉक्टर साहिबा ने किस चीज पर ट्रस्ट किया, अच्छा मेरे सामने ये पड़ा है मैं इसका दवाई देती हूँ, मैं ये टूथपेस्ट खरीदती हूँ। डॉक्टर साहिबा के 10,000 रुपए टोटल कन्वर्ट हुए कितने में मालूम है? 35,000 रुपए में। मतलब क्या हुआ इससे, देखो यहां पर है ना, ये भूल जाओ कि हमें बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए तभी वो पैसा कमा सकता है यार। गुरु ज्ञानी पंडित बैठे जिनको शेयर मार्केट में ना कॉमर्स की एबीसीडी सब आती है, लेकिन वो फिर भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन वो लोग पैसा कमा जाते हैं जो बेसिक्स को देखते हैं। तो आज मतलब समझो, मतलब यह है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, थोड़ी समझ है, और एक होती है एक सिक्स सेंस होता है, एक सिक्स सेंस समझते हो। आई रियली देखो मैं वैसे मुझे शेयर रेकमेंड नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरी पर्सनल कुछ फेवरेट कंपनीज है, मैं बोलता हूँ कि वो बहुत अच्छी कंपनीज है। आई रियली लव HDFC, आई रियली लव रिलायंस, आई रियली लव पिडिलाइट, आई रियली लव ICICI बैंक, आई रियली लव SBI बैंक, आई रियली एडमायर यू नो टाटा, टाटा के जितने भी टाटा कंज्यूमर हो गया, आई रियली लव हिंदुस्तान यूनिलीवर। मेरी रिसर्च है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मेरा मुझे क्यों अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं इनके प्रोडक्ट यूज करता हूँ। आई रियली लव इंफोसिस, आई रियली लव विप्रो, आई रियली लव TCS। मैं क्यों, क्योंकि मैं कब से सुनते आ रहा हूँ यार उनके बारे में, आज भी सुन रहा हूँ, कब से उन पर ट्रस्ट है आज भी है लोगों का, कब से लोगों ने पैसा कमाया आज भी कमा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपको ना अपने आसपास कोई ऐसी चीज दिखती है जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हो और उसको कब से आप वही यूज करे जा रहे हो, आपके पापा भी वही यूज करते थे, आप भी वही यूज कर रहे हो। कई लोग देखो आपके पापा का अकाउंट किसमें, SBI में, आपका किसमें, SBI में। भैया SBI पिछले आपके पापा के जमाने से चलते आ रहा है, और पापा छोड़ो दादा के जमाने से चलते आ रहा है, आपको पता होना चाहिए SBI की हिस्ट्री क्या है। सो इन दैट केस अगर आपको किसी शेयर पे भरोसा है, अगर आपको लगता है कि इसकी हिस्ट्री बहुत मजबूत है, अगर आपको लगता है कि काफी पुराना है और आप उसे बार बार देख रहे हो, पुराना इट्स नॉट अबाउट पुराना एज वेल, अगर आपको लगता है प्रोडक्ट में बहुत दम है, तो भी आप अपनी ना एक इंट्यूशन से आप उसके शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। बट अगेन हमेशा याद रखो, शेयर मार्केट में ना इट्स नॉट ऑल अबाउट इंट्यूशन। अगर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है तो आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर लो मार्केट पे। जैसे ना मुझे ना पिडिलाइट पे बहुत इंट्यूशन आई थी यार बहुत अच्छा होगा, फिर मैंने रिसर्च भी करी फंडामेंटली कि कौन है, कौन कंपनी का मालिक है, क्या करता है, पिडिलाइट के प्रोडक्ट क्या है, दूर दूर तक उसका कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा रिसर्च करने पर मालूम पड़ेगा आपको कि अगर किसी का कॉम्पिटिटर ही नहीं है, किसी की मोनोपोली है, तो उसका शेयर तो अच्छा ही चलेगा ऐसे करके। या फिर अगर मोनोपोली है तो उसका शेयर मार्केट में मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है, ज्यादातर लोग उसी को यूज करते हैं। जैसे कॉलगेट, आप बोलोगे किसी का पेस्ट यूज होता है कॉलगेट, टूथपेस्ट किसका यूज होता है कॉलगेट, समझ रहे हो, जिसका मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है, ब्रश बहुत लोगों के मिल जाएंगे लेकिन पेस्ट बहुत लोगों के लिए मिल जाएंगे, लेकिन कॉलगेट यूज करते हैं। तो ऐसे करके अगर आपको किसी पे बहुत अच्छा ट्रस्ट है और अगर आपने अच्छे से रिसर्च कर ली है उस कंपनी की, तो भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप घरेलू वाइफ हो, आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ, उसका शेयर खरीदो, बिलीव मी आपके पैसे आपको इतने रिटर्न देंगे जो कि आपकी FD, आपकी RD, आपकी सेविंग अकाउंट कभी नहीं दे सकते। समझ में आता है, स्टोरी समझ में आई, पहले सवाल का जवाब मिल गया सब लोगों को कि हमारा कॉमर्स का बैकग्राउंड होना कोई जरूरी नहीं है, सब फालतू की बातें हटाओ, हटा सावन की घटा, इंटुगले मिंटुगले, अपनी बात सिंपल है, डीमेट अकाउंट खुलवाओ, अपने इंट्यूशन पे जाओ, अच्छे से रिसर्च करो कंपनी के बारे में। मैं अगर अपना पैसा लगाऊंगा तो पूरा एकदम देख लूंगा कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। रिसर्च का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कागज वागज खोलने, मैं कभी नहीं करता, कोई प्रॉफिट शीट नहीं देख रहा हूं, कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं किस इंट्यूशन से करता हूं, मुझे कंपनी की फंडामेंटल पे बिलीव होना चाहिए। पता कई बार इंट्यूशन अंदर से आता है। मैं अब आप मेरे से पूछो, आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाओगे तब क्या करोगे, एक एक पर्टिकुलर ऐसी कंपनी होगी, जैसे आप कह रहे हैं, आप देखो मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसे मान लो आपके सामने ना आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आपके सामने LG रखा हुआ है, सैमसंग रखा हुआ है, हुआई रखा हुआ है, और एक कोई और कंपनी है, आप पक्का उन चारों में से एक कंपनी को रिजेक्ट कर दोगे।
क्यों? क्योंकि ना आपने कभी उसके बारे में सुना, ना किसी ने बताया। आप क्या करोगे, नहीं एलजी अच्छा है, नहीं सैमसंग अच्छा है, तो एक इंट्यूशन तो तभी मिल जाता है। कैसे मिला वो इंट्यूशन? क्योंकि आपने उसको यूज किया, क्योंकि लोगों ने आपको रेकमेंड किया, क्योंकि आप बहुत लोगों से बहुत सालों से देखते आ रहे हो, क्योंकि आपके पापा भी यूज करते थे, समझ लो। तो ऐसे करके आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप ध्यान से फंडामेंटली देखो तो। अब कई आपको मैं बोलूं चलो जाओ पीएमसी में अकाउंट खुलवा लो, या किसी और ऐसा बैंक का नाम बोलूं जो आपने कभी सुना ही नहीं, बोले यार ये तो अजीब सा। तो वही फंडामेंटल शेयर मार्केट में भी यूज होते हैं। आप किस पे यकीन करते हो? आप मुझे लो बाइक ले लो, आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट कौन सी कंपनी पर है? बस वही शेयर अच्छा है। आपकी खुद की इंट्यूशन क्या कहते हैं? अच्छा आप खुद से सोचो, अगर आपको टू व्हीलर चाहिए आप क्या खरीदोगे, जरा सोचो। आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस कंपनी में करते हो? उसी का शेयर अच्छा है। लोगों की इंट्यूशन भी तो ऐसी होती है, समझ में आ रहा है? आप पक्का, अगर आपको रिलायबल बाइक चाहिए तो आपको हीरो की बाइक अच्छी होती है, हीरो होंडा इज गुड। टीवीएस की अच्छी होती है, टीवीएस इज गुड। कार खरीदने तो किसी खरीदोगे, हुंडई इज गुड, मारुति इज वेरी गुड। ओके, तो आपकी इंट्यूशन आपके आसपास ही है। लोगों का ट्रस्ट किस कंपनी पे है जरा उसको देखो। लोगों का ट्रस्ट जिस कंपनी पे है और काफी सालों से है, या लोग बहुत अच्छा सा जानते हैं कि उस कंपनी की फंडामेंटल बड़ी स्ट्रांग है, वही कंपनी अच्छी है यार। सिंपल सी बात है, कोई फंडामेंटल ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं।